बोले किसी दिन ऐसा काम होगा तुम्हारा तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा। महारानी तारा ने जब ये बात सुनी है तो छुटक करके बड़ी दूर खड़ी हो गई। जवाब दिया, महाराज हम तुम्हारे घड़ा को नहीं छू सकती, आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। अगर मैंने आपके घड़ा को छू लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, उन ब्राह्मण जी के घर पर जाने के योग्य नहीं रहूंगी, मुझे माफ करना, हम आपके घड़ा को नहीं छू सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। हम आपको एक उपाय बताती हूँ, इस घड़ा को लेकर के जल के अंदर घुस जाओ और जैसे ही जल तुम्हारी गर्दन तक बने वैसे ही घड़ा जल से भर लेना, ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी ताकत पर लगेगी, साध के उठा करके सर पर रख लेना और बाद में जल से धीरे धीरे निकल करके चले जाना। और इतना कहने के बाद में वो वहां से अपना घड़ा लेकर के महारानी तारा जी ने भर लिया और भर करके वो अपने घर चली गई। हरिश्चंद्र खड़े होकर के